नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज शहीद दिवस है। आज के दिन 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी पंचतत्व में विलीन हो गए थे। इसी दिन नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। अतः गांधी जी की पुण्यतिथि पर हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर मौन रखता है। महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गयी। अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से मेहरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह गए थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। बापू की पुण्यतिथि में आज देश के तमाम नेता उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी, अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर असम आदित्य की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज बटद्रबा थान में तीर्थ यात्रा करने आए नलबाड़ी तीर्थयात्री समूह का बटद्रबा थान के सामने ही एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कई तीर्थयात्री घायल होने के साथ साथ एक तीर्थयात्री को गंभीर चोटें आई हैं। बटद्रबा में भयानक सड़क हादसा संघटित। बटद्रबा थान में आए तीर्थयात्रियों के समूह के कई तीर्थयात्रियों की जान किसी तरह से बच पाई। बटद्रबा थान में तीर्थ यात्रा करने आए नलबाड़ी के तीर्थयात्रियों के समूह का बटद्रबा थान के सामने ही एक्सीडेंट हो गया। तीर्थयात्रियों के आने वाले AS14C1911 नंबर वाले विंगर और AS01EA2767 नंबर वाले एक लग्जरी कार के बीच हुए आमने सामने के टक्कर की वजह से ही ये घटना घटी है। नलबाड़ी जिले के टीहू थाने के अंतर्गत नौमाची गांव से आए विंगर इस दुर्घटना की शिकार बनी। कई यात्री घायल होने के अनुरूप एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से एवं 108 की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। आई थकाते मैंने रास्ता तो आगत पड़ी বেশিরভাগ মানে আমি তো হাইওয়ে ন্যাশনাল আইডা গাড়ি সেখানে ভিতরের পর ওলা গাড়ি আই গিয়ে ইহতে আগত পড়ি গেল পড়ি পড়ে কেনে সুদূর এনেকে ফতিল দুর্গাটো আপনার মানুষের কষ্ট পাচ্ছে ঠিক আছে মানুষের এনজিও কি মানুষ আমার মানে সিমান এনজিও হওয়া নাই ছয়জন অলগ অলগ হারানো ফোন হয়েছে বটদ্রবা সে ঝুয়েলুদ্দিন কি রিপোর্ট আসাম আদিত্য। लखीमपुर में आसाम शीतोडियो कराटे एसोसिएशन की पहल पर 2 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में सहस्त्र प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। लखीमपुर में असम शीतोडियो कराटे एसोसिएशन की पहल पर 2 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
उत्तरी लखीमपुर के मालिनी होटल के परिसर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में संस्था के चीफ टेक्निकल समीर दास की मौजूदगी में कल 8 कराटे खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट प्रदान किए गए। शनिवार को आयोजित किए गए इस शिविर में जिले के सहस्त्राधिक प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। तारागति किसुमाने हमारा अंडर 10 दिन 15 दिन हो ताते ट्रेनिंग करी ले तारागति हिते मु ऑनलाइन ट्रेनिंग करी आसे कोविडर माजे दि ट्रेनिंग करी आसे ऑनलाइन ट्रेनिंग करा पिसत किसुमाने बहुत सीनियर लरा जिबिलाक किबा दुर्घटना किबा प्रॉब्लमर कारणे हिते मार्शल आर्ट कराटे इरी दिसिले ठीक 8 বছর 10 বছর এনেকা লড়া যেটা ব্যাক হয়ে গেছিল করিব কারণে সিহঁতে মোক ইন্টারনেটত যোগ করেছে যোগ করি কিনে মোর লগত গুগলত সার্চ করি কিনে মোর নাম্বার কন্টেক্ট করি কিনে তারপিছত সিহঁতক মই অনলাইনত ট্রেনিং করাইছোঁ লাস্ট 10 দিন আগতে সিহঁতক গ্রেডিং কমপ্লিট হ'ল আমাৰ শিবিরীয় কুফকান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কুফকান শিবিরৰ আণ্ডাৰত তো সিহঁতে এতিয়া গ্রেডিং পাছ করলে সেইটো কারণে সিহঁতক বেল্টৰ গ্রেডিং টেষ্টটো দিব আহিছোঁ যাতে এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খালি তো এজন দুজন কাৰাটে ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে পসিবল নহয় যে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাব পাৰে এনে বিভিন্ন ষ্টাইলৰ আছে কিন্তু আমাৰ শিতুৰীত দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ শিতুৰীটো আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হেৰি কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ইয়াতে যিটো আগ্ৰহ দেখিলোঁ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ সিহঁতৰ পেৰেণ্টছৰ মেইনলি সিহঁতৰ আগ্ৰহ বিৰাট ভাল পাইছোঁ ভাল লাগিছে देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 30 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1530 में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन हुआ था। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के मटकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। 1948 में इस लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया। 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने अडॉल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया। 1941 में नौवहन के इतिहास की एक बड़ी घटना में सोवियत संघ की एक पनडुब्बी ने जर्मनी का एक पोत डुबा दिया जिससे उसमें सवार करीब 9000 से भी ज्यादा के लोगों की मौत हो गई थी। 1948 में शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नई दिल्ली के बिरला भवन में हत्या कर दी गई। तभी से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में रात्रि एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई। 1965 में ब्रिटेन के लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को अंतिम विदाई दी। चर्चिल एक कुशल कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे और वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ब्रिटेन की महानतम विभूतियों में गिना जाता है। 1971 में इंडियन एयरलाइंस के फोक्कर मैत्री विमान का लाहौर से अपहरण कर लिया गया और अंततः ये नष्ट कर दिया गया था। 2004 में वैज्ञानिकों ने एक संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि संभवतः एक समय वहां पानी रहा होगा। 2007 में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे में भारत की दिग्गज कंपनी टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को $12 अरब से अधिक में खरीदा था। 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स डबल मुकाबले में सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी फाइनल में पहुंची थी। और इसी साल कोका कोला कंपनी ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में अपने प्रमुख उत्पाद कोका कोला क्लासिक का नाम बदलकर कोका कोला करने जा रही है। कोका कोला के साथ क्लासिक शब्द को 1985 में जोड़ा गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।